इन दिसन दैट हाउ टू फाइंडर ऑफ पोलिनोम कैसे हम किसी अननाउन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं अगर हमें फैक्टर जो है वो पोलिनोम का दे दिया जाए तो हम किस तरह से उसमें से अन नाउन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेट्सिंग सिंथेटिक डिजन मैथड using synthetic division method method Find the value of L and M. Find the value of L and M and M if, if X minus one and X plus one and X plus one are the factors of are the factors of polynomial P of X, P of X, हम यहाँ पे वो लिख लेंगे पॉलिनोमियल डेट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री एल एक्स स्क्वे प्लस एम एक्स माइनस वन तो हमसे ये डिमांड की गई है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है एल की और एम की जी एल और एम की वैल्यू फाइंड करें अगर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ये फैक्टर्स हैं किसके पोलिनोमियल के ये वाली जो पोलिनोमियल आपको गिवन है इसके तो हम क्या करेंगे हम ये जो आपको फैक्टर्स गिवन है हम इनको जीरो के इक्वल पहले पुट करेंगे क्योंकि हमें बताया गया है ये फैक्टर्स हैं तो इसकी के ये कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट हम जो है ना आगे बढ़ेंगे तो इसको हम जीरो के इक्वल अगर पुट करेंगे तो हम देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या आएगी तो यहां पे हम लिखेंगे पुट x 1 0 और इसको भी हम साथ ही यहां कर देंगे x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो से x की वैल्यू प्लस वन आएगी और यहां से x की वैल्यू माइनस वन आएगी अब यहां से फर्दर आगे हम क्या करेंगे हम उसी तरह से लाइंस ड्रा करेंगे जी हम इस तरह से लाइंस ड्रा करेंगे लाइंस और हम इस पोलिनोमियल के जो कॉफिशियंट है इसमें वो हम लिखेंगे एक्स क्यूब का कोफ़िशियंट है सबसे पहले मैक्सिमम पावर क्यूब है इसका कॉपिशंट वन है तो हम वन लिखेंगे और स्केयर की बात करें तो इसका कोपिशियन थ्री एल है थोड़ी तो स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे थ्री एल इसी तरह अगर हम बात करें एक्स की तो वो एम है तो स्पेस छोड़ के हम एम लिखेंगे और कॉन्स्टेंट जो वैल्यू है यहाँ पे डैट इज़ माइनस वन उसको हम यहाँ पर मैंशन करेंगे अब हम डिवाइड करेंगे इनके ऊपर इसके ऊपर हम क्या करेंगे डिवाइड तो सबसे पहले हम वन पे चले इसको स्टार्ट लेते हैं अगर हम यहाँ पे वन लिखेंगे तो पहला नंबर वैसे ही आएगा इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर वन मल्टीप्लाई वन वन होगा फिर इनको ऐड करवाया जाएगा तो थ्री एल प्लस वन आएगा थ्री एल प्लस वन अब अगेन इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एल प्लस वन ही आएगा इसको हम यहाँ पे लिखेंगे थ्री एल प्लस वन और इनको अगेन हम ऐड करेंगे जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा थ्री एल प्लस एम प्लस वन अगेन ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस वन के साथ तो सारी की सारी वैल्यू जो है यहाँ पर ऐसे ही लिखी जाएगी थ्री एल प्लस एम प्लस वन और अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को अगेन इसके साथ ऊपर वाली माइनस वन के साथ ऐड करवाएं, तो फाइनली हमारे पास यहाँ बचेगा थ्री एल प्लस एम इसको हम सेपरेट करके देख सकते हैं अगर हम इनको ऐड करवाएं तो ये आएगा थ्री एल प्लस एम प्लस वन और ये वाला माइनस वन इसके साथ हम लिख लेंगे अब देख सकते हैं थ्री एल प्लस एम ये प्लस का वन ये माइनस का वन कैंसिल तो ये बचेगा थ्री एल प्लस एम अब हम यहाँ से इसको इरेज करेंगे फर्दर हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे तो अगेन इसको हम यहीं पे अगर डिवाइड कर लें अब सेपरेट भी कर सकते हैं हम क्या करते हैं इसको अगर यहीं पे एक मरतबा फिर हम डिवाइड कर लें किसके ऊपर माइनस वन के ऊपर तो अगर हम इसको माइनस वन के ऊपर करेंगे तो माइनस वन हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर वेज इट इज लिख देखें यहां पर एक चीज यहाँ पे बता दीजिए जो लास्ट वाली वैल्यू है ये क्या कहलाएगी ये रिमाइंडर कहलाएगी ये क्या होगी रिमाइंडर और यहाँ पर फिर नीचे वन वैसे लिखे थे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा अब इनको फिर ऐड करवाएं थ्री एल प्लस वन, मल्टीप्लाई वन, तो माइनस वन तो ये होगा माइनस थ्री एल यानी जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये माइनस का थ्री एल आएगा अब अगेन इनमें ऐड करवाओ थ्री एल प्लस एम प्लस वन जब इसमें ऐड होगा माइनस थ्री एल तो ये माइनस थ्री एल प्लस थ्री एल कैंसिल होगा सिंपली एम प्लस वन ही हमारे पास बचेगा यहां ये जो वैल्यू लास्ट में ये वैल्यू है ये ये भी रिमाइंडर के लाएगा तो हम इनको नाम दे देंगे इसको हम नाम दे देते हैं आर वन का तो आर वन जो है वो इक्वल है थ्री एल प्लस एम के और इसको हम नाम दे देते हैं आर टू का तो आर टू जो है वो इक्वल है एम प्लस वन के तो इस तरह से हम इसको दो नाम देंगे आर वन एंड आर टू अब हमें ये कहा गया है जब देखें जब हमने वन पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आया जब हमने माइनस वन पर किया तो रिमाइंडर एम प्लस वन आया सिंथेटिक तो डिवीजन के प्रोसेस से तो इसलिए हमने इस वाले को आर वन बोल दिया इस वाले को आर टू बोल दिया नेक्स्ट फर्दर हम क्या करेंगे हमें गिवन है कि एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन फैक्टर्स हैं पोलिनोमियल के तो याद रखें अगर ये हमें बताया जाए कि कोई भी आपके पास लीनियर पोलिनोम अगर फैक्टर हो गिवन पोलिनोम का तो इसका मतलब है कि रिमेंडर जीरो होगा रिमाइंडर कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए हम यहाँ लिखेंगे गिवन गिवन एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन आर फैक्टर्स ऑफ पी ओफ एक्स पोलिनोमियल है ना उसको हम सिंपली पी ओफ एक्स लिख रहे हैं पी ओफ एक्स मीन ये वाली पोलिनोम अगर ये फैक्टर्स है पोलिनोमियल के इट मीन्स रिमेंडर शुड भी इक्वल टू जीरो रिमांइडर जीरो होने चाहिए इट मीनस रिमेंडर मस्ट भी जीरो तो रिमाइंडर लाजमी ज़ीरो होंगे तो हम यहाँ लिखेंगे आर वन इज इक्वल टू जीरो एंड

सिमिलरली आर टू की वैल्यू है एम प्लस वन तो हम लिखेंगे एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो से आप एम की वैल्यू निकाल सकते हैं M will be equal to minus 1. और अगर आप ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन का तो यहां लिखें पुट इन इक्वेशन वन अगर हम इसको इक्वेशन वन में पुट करें तो ये वैल्यू आएगी थ्री एल M की वैल्यू है या लगाएंगे एंड जब राइट right साइड पे जाएगा जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये थ्री एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जब राइट right साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा सो एल इज इक्वल टू इसको हम क्लियरली यहाँ लिखेंगे सो एल इज इक्वल टू वन बाय थ्री तो ये फाइनली आपके पास एल की वैल्यू आ गई और एम की जो हमें उसने फाइंड करने का बोला था तो ये उसने शुरू में बोला यानी इस तरह से हम unknown जो है, उनकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं अननाउंस की वैल्यू फाइंड की जा सकती है अगर हमें ये कंडीशंस दी जाए जो हम यहाँ पर कर चुके हैं इन कंडीशन के मुताबिक इस तरह से हम अपने अननाउन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं